नमस्कार मित्रों मित्रों दुनिया में सफलता प्राप्त करने का सपना तो हर कोई देखता है। लाइफ को सफल बनाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है यदि अपने भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की जाए तो सफलता पाने का मार्ग आसान हो सकता है। ज्योतिष अनुसार यदि व्यक्ति अपनी राशि को ध्यान में रखकर अपने करियर का चुनाव करे तो उसे सफलता अवश्य ही मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह अपनी राशि के अनुसार आप अपने करियर का चुनाव करके जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। मेष राशि। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है जो साहस और एनर्जी दोनों का ही कारक है। ज्योतिष अनुसार यदि मेष राशि के जातक सेना, वकालत, चिकित्सक, सरकारी नौकरी, राजनीति, मैनेजमेंट तथा कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। वृष राशि। वृषभ राशि के जातक किस्मत के बहुत धनी होते हैं। कला में इनकी काफी दिलचस्पी होती है। इस राशि के जातक पेंटिंग, गायक, नृत्य, संगीत, सिनेमा, अभिनय, फैशन आदि क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है जो इन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन, यश और वैभव देता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक खाली बैठकर समय गंवाने में यकीन नहीं रखते हैं। ये मेहनत करने में विश्वास करते हैं। इस राशि के जातकों को बैंक, आईटी सेक्टर, लिपिक, लेखक, मीडिया रिपोर्टर, संपादन आदि क्षेत्रों में खूब सफलता मिलती है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध हमेशा इनकी बुद्धि का विकास करता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है जो मन का कारक होता है। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कार्यों और सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। इसके अलावा इन्हें इंजीनियरिंग और कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता मिलती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य जो इन्हें सूर्य के समान ही तेज प्रदान करते हैं। इस राशि के जातक राजनीति, प्रशासनिक, अधिकारी वर्ग, शासकीय, औषधि, कपड़ा, स्टेशनरी, अन्य व्यवसाय आदि से जुड़े कार्यों में सफलता हासिल करते हैं। कन्या राशि। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है। ये हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना पसंद करते हैं। इस राशि के जातक शिक्षक, पत्रकार, लेखक, संपादक, डॉक्टर, शोधकर्ता, कलाकार और कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में अपना करियर बना अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है जो इन्हें सुंदरता और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस राशि के जातक राजनीति, बैंक, टाइपिंग, लेखक, ट्रेवलिंग, पत्रकार, मार्केटिंग जैसे कार्य क्षेत्रों में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है जो इन्हें उत्साह और तेज प्रदान करता है। ज्योतिष के अनुसार यदि इस राशि के जातक डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, जासूस, इंजीनियर, मार्केटिंग या फिर देश सेवा जैसे क्षेत्रों में करियर बनाते हैं तो इन क्षेत्रों में इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। धनु राशि। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है जो सुख और ज्ञान का कारक है। इस राशि के जातक बेहद ही ऊर्जावान होते हैं। ये अपने करियर को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। इस राशि के जातकों को उनकी राशि के अनुसार शिक्षा, लेखक, संपादक, कानून, वकालत, लेखन, दार्शनिक, प्रकाशन, आयात निर्यात, बैंक जैसे क्षेत्रों में खूब नाम और शोहरत प्राप्त होती है। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। वैसे तो इस राशि के जातक हर कार्य में निपुण होते हैं लेकिन बैंक, बिजली, मशीनरी, ठेकेदारी, रेडीमेड कपड़ा, राजनीति, खिलौना, टूरिज्म, वैज्ञानिक जैसे कार्यों में इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। ज्योतिष के अनुसार इस राशि के जातक विज्ञान के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। इसके अलावा तकनीक, उपकरण, शिक्षण, डॉक्टर, कंप्यूटर, ठेकेदारी से जुड़े क्षेत्रों में भी सफल होते हैं। मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि के जातक बहुत ही क्रिएटिव किस्म के होते हैं।
ये कला से जुड़े क्षेत्रों में काफी प्रसिद्धि हासिल करते हैं। इसके अलावा इस राशि के जातक डॉक्टर लेखन, संपादन, टीचिंग, कोरियोग्राफी, देश सेवा से जुड़े क्षेत्रों में भी सफलता और कामयाबी हासिल करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो मून साइन यानी कि आपकी जन्म राशि के आधार पर आधारित है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हमारे सभी वास्तु टिप्स और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।